याद है आपको 2014 का वो समय जब संसद में मिर्च मसाले का खेल खेला गया था, तेलंगाना बिल को लेकर। तब सत्ता में यूपीए की सरकार थी और टीडीपी सांसदों ने तांडव मचाया था। स्पीकर के माइक को बेतरतीब तरीके से तोड़ा गया था। इतना ही नहीं, कंप्यूटर भी हवा में लहराते दिखे थे। इससे भी मन नहीं भरा था तो सांसद राजगोपाल ने पेपर स्प्रे कर सबके आंसू निकाल दिए थे। आंसू तो इस लोकतंत्र के मंदिर के तब भी निकले होंगे जब कैश के बदले वोट की बात प्रूफ करने के लिए भरी सभा में रुपयों की गड्डी लहराई गई थी। ऐसा 2008 में हुआ था, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी और कहा गया कि सरकार बचाने के लिए ये सारा कुचक्र रचा गया था और संसद के सामने उन्होंने इसका राज फाश कर दिया था। 2014 में ही देश की संसद से सबक लेकर दिल्ली विधानसभा में विपक्षियों ने ऐसा ही कुछ खेल रचाया था। भाजपा की ओर से तब डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लड़ाई लड़ने का तरीका करार दिया था। वो विपक्ष में थे और मांग तब के लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती को हटाने को लेकर थी। आंदोलन बंद नहीं होगा, सदन के अंदर भी होगा, सदन के बाहर भी होगा। हम दिल्ली की मर्यादा को, दिल्ली की गरिमा को, दिल्ली की सरकार के ऊपर इस तरह का धब्बा नहीं लगने देंगे। अब आते हैं 2020 में, बात संसद की ही। ये दौर कुछ अलग है, कोरोना काल है, पाबंदियां खूब हैं, आम जनता पर सड़क पर उतरने को लेकर कानून का हवाला भी है, लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को सब माफ है। रूल बुक को फाड़ना, माइक को हाथ लगाना, एक जगह वेल में थोक के भाव इकट्ठे होकर नारेबाजी करना, सब कुछ। और सत्ता पक्ष के लिए आम लोगों को कानून का जामा पहनाकर अध्यादेश पास करवाना, फिर जल्दबाजी में बिल पास करवा लेना, जिससे उस खेत में काम करने वालों को नफा हो ना हो, लेकिन जिनकी पूंजी पर सरकारें चलती हैं उनका नुकसान हरगिज ना हो। और जब ऐसी जल्दबाजी, ऐसा बेसब्रापन होगा तो पार्लियामेंट की दरो दीवार तो रोएगी ही, क्योंकि ये मात्र एक भवन नहीं है बल्कि सैकड़ों बलिदानों और करोड़ों की आस्थाओं का केंद्र है। सत्ता विमर्श के लिए किरण राय की रिपोर्ट।